से और ये जाने के लिए फुल उतावला हो रहा है भाई, जितना काम किया भाई को तो देखो पूरा ब्लर मार रहा है इसका पूरा फेस भाई। जानते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं जौनपुर में और यहां जबरदस्त मिलो यार, और हमारा भाई लोग इधर पूरा आ चुके हैं। एक महीना पहले यहाँ मछली वाला जो जल मछली वाला बिलवा दिख रहे हैं अभी। कैसे युवराज भाई जय जय श्री राम भाई हो, आज के ब्लॉग में स्वागत है। आज के सीन ऐसे रही कि हमन जाता ना भाई भिलाई के जो गणेश पंडाल है, गणपति जी की मूर्ति है, ओला देखे बर जाथन और ओकर पूरा दर्शन कराबो। और जहाँ जहाँ के रही वहाँ मैं मेंशन कर दूँ नाम ला, ऊपर में लिख दूँ तो ओला देख लूँ। हर जगह नहीं बताऊँ, सीधा ये चली सिनेमेटिक वीडियो के टाइप चली, पूरा लाइन से चली सब वीडियो, फिर मिलो लास्ट में इंजॉय करे के समय। जय श्री राम। हमारे ये छवि भाई है फुल दिए से और ये जाने के लिए फुल उतावला हो रहा है भाई, जितना काम किया भाई को तो देखो पूरा ब्लर मार रहा है इसका पूरा फेस भाई का। कैसे तो छवि भाई कैसे आज जाएंगे माहौल में, तो कैसा लगा भाई? एकदम मस्त है। तो आप तो तैयार नहीं होंगे, बोल रहे थे इतना हैंडसम जैसे लग रहे थे आप, कैसे लग रहे हो भाई? एक नंबर लग रहे ना यार, गाइस बताओ कमेंट करके बताओ ना भाई कैसे तैयार तो हो चुके हो भाई? देखो पूरा सर से लेके पांव तक पूरा एकदम हैंडसम लग रहा है। कैसे भाई, अच्छा दिख रहा है ना भाई? तैयार तो हम लोग 16 को होंगे भाई, 16 को मतलब 16 वाला ब्लॉग में देखेंगे क्या गाइस? तो इसको बताओ गाइस लोग को, 16 के महीना भाई जो माया पारा पाटन, ये प्रमोद अपना ड्राइवर भाई अभी फूल चला ही गाड़ी ला, अभी फूल बजा ही ताबड़ तोड़ वाला, और चलो मिलता रास्ता में। तो गाइस अभी हम लोग हमारा जो सेठ है भूपेन भाई उसको लाने के लिए जा रहे हैं अभी उसका दुकान, तो हम लोग अभी रास्ते में, तो आप लोग को भूपेन भाई के पास पहुंच के आप लोग को मिलाऊंगा भाई से। अभी आ चुके हैं, अभी पेट्रोल टंकी में और अपना सेठ भी आ चुका है, तो यहाँ वाला पेट्रोल टंकी में आ चुका है और डीजल वाला जो अपना टैंक है वो खुल चुका है और हमारा भाई भी आ चुका है पूरा भूपेन भाई। भाई ज्यादा बात नहीं करेगा ना, फिर तुम्हारे भाव भी मस्त अपन डीजल बाबा उतरा, फिर पूरी एंजॉय करा थी। और दीदी मन डाला पूरा पेट्रोल टंकी कितना डाला हो दीदी मन डाला पेट्रोल टंकी डीजल नहीं दिया डीजल, तो गाइस अभी डाल रहे हैं यहाँ डीजल डाल रहे हैं, इसके बाद मिलाता हूँ लोग को रास्ते में, क्योंकि जाएंगे तो फिर अभी बहुत मजा आएगा। तो पेट्रोल टंकी में क्या है डीजल डलवाने के लिए रुके हैं, तो आप लोग को भी मिलाना बहुत जरूरी सबसे, तो इसलिए मिला, तो चलो मिलेंगे रास्ते में। 20 रुपए दाढ़ी खखोरी फेरी, 20 रुपए दाढ़ी खखोरी फेरी, माँ कसम मन मोर मोहक तोर फैशन मावो, मैं तालाब का सामने हूँ भाई साहब और नहा रहा हूँ माँ कसम, डायलॉग बात करे हेक्टर मावो हेक्टर माँ, खड़काऊ क्या आना बैठा तोला हेक्टर मावो, आना बैठा तोला हेक्टर मावो, मन मोर मोहक तोर फैशन मावो। हम लोग पहुंच चुके हैं जोन टू में और यहाँ जबरदस्त मीना बाजार का माहौल है और हमारा भाई लोग इधर पूरा आ चुके हैं, हमारा युवराज भाई छवि एकदम अलग से। कैसे भाई, फुल मीना बाजार लगा है, कैसे छवि भाई? तो छवि भाई कुछ बोलना चाहते हो हमारे ऑडियंस को? पहला गणेश दर्शन होगा हम लोग का जोन कहाँ रही है जोन टू में, चलो जा रहे हैं अभी गणपति दर्शन करने के लिए।
होता है कि टाइम टाइम में खुलता है, जो दर्शन करते उसको दर्शक अच्छा रहता है उस टाइम में खुलता है, तो अभी दर्शक जब हो रहे हैं उसके बाद खुलेगा ये पर्दा गणपति जी का, तो अभी पर्दा बन रहा है आपको दिखाया से। आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों ही दो आतिशा, आंखें या मैं कदे के ये दो बाब हैं, आंखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब है। था यहाँ दिखा लिया समय में, तो हम लोग भी गणपति पापा को दिखाया इसमें जो देखे कवर किए उसमें, तो चलो चलते हैं अभी और आगे जाएंगे उसमें दिखाएंगे आप लोग को। गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से पंडाल देख के, हम लोग जोन टू का सेकंड पंडाल है गणपति जी का, उसको अपन लोग देखने के लिए आए हैं, तो दिखाते हैं। और अभी पंडाल के पीछे में लोगों को थोड़ा सा सीन दिखाते हैं। हम लोग आ चुके हैं किंग कॉन्ग का जो गणेश पंडाल है भिलाई में सेक्टर एरिया, कौन सा सेक्टर है भाई आपका, कौन सा सेक्टर है, सेक्टर टू में आ चुके हैं और दिखाएंगे आपको यहाँ का फुल खतरनाक माहौल। और इधर देखो बहुत खतरनाक भाई, कौन सा है भाई नहीं पता भाई, तो गाइस सेक्टर में भोर हो गया है, बाद में बताएंगे हम लोग को इसको और दिखाएंगे, बहुत गजब का चीज आप देखते रह जाओगे, बहुत खतरनाक। कई तबाही डेकोरेशन हुआ है यहाँ लाइटिंग का, तो आप लोग को दिखाता हूँ सीन, कई ताबड़ तोड़ है। और अपना भाई लोग जा रहा है इधर सामने सामने, और इधर हमारे सभी भाई है। तो भाई आपको कैसा लग रहा है भाई, गणेश पंडाल देखने आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आओ, इधर रोड है, गाड़ी घोड़ा आ रहा है, इधर आइए आप। तो कैसा लग रहा है आज भी आपको, बहुत बढ़िया लग रहा है। गाड़ी देखो भाई गाड़ी, तो गाइस चलो चलते हैं, इधर बहुत भीड़ भाड़ चल रहा है रास्ते में, तो अंदर से लेते हैं। तो गाइस यहाँ का सीन ऐसा है कि यहाँ पास गेट बना हुआ है और पूरा माहौल खतरनाक ही माहौल है, कि हम लोग पहले घुस लेते हैं उसके बाद सीन दिखाएंगे। सबसे पहले पंडाल दिखाऊंगा थोड़ा सा सीन कि कैसा है वो, तो देखते हैं बेसब्री सा था इसका इंतजार। यहाँ पास लिखा है कि ब्लैक समेत ये आप देख लो सेक्टर वन, ये वर्ल्ड
वहाँ सब दो पेटी सारफी लगा है, मतलब चार पीस है ना भाई, चार पीस सारफी लगा है। अरे भाई लोग ले चुके हैं टिकट और आप लोग को दिखाएंगे कि अंदर भी जाएंगे हम लोग, खूब मजा आएगा, तो बने रहो। ऐसा है कि हमारा कुमेश भाई सामने में है और पूरा आज ब्लॉग करेंगे भाई। कैसे कुमेश भाई? तो भाई टाटा कर रहा है भालू अपना, कई टावर तोड़ दिए हैं हमारा भाई लोग इधर है। कैसे भाई? कैसे नहीं करेगा, बगल वाली है। ओह यस, वो तो सेटिंग करेगा। तो गाइस हम लोग अभी अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, हमारा भाई लोग इधर देख रहे हो ना, आज भाई लोग हमारा डायलॉग बोल। अब अच्छा लगा भाई थोड़ा सा। ओ गाइस हम लोग गुफा में घुस चुके हैं और यहाँ पर सीन पूरा रंगीन लाइट है, रंग बिरंगे पूरा लाइट लगे, पूरा मजा आई का मजा दिखा दो। अभी पूरा बने रहो ब्लॉग में, हमारे भाई है अलग से, तो यहाँ से अभी तुम्हारा झांकी दिखाएगी स्टार्ट हुई भाई, तगड़ा वाला। और नकली नकली वाला भालू, अरे चलते जाओ बोला थे भाई है अलग से फूल, ये अपन भाई कमेटी वाला भाई तो भाई चाय पी लो। हाँ चाय पीने के लिए बुला रहे हो भाई, तगड़ा सीन है इंदर का, नकली नकली वाला भालू है भाई। अपना युवराज भाई बहुत दूर से घूमने के लिए आए हैं ना भाई, तो गाइस यहाँ बोल रहे कि जाम मत करो, और जाम तो है नहीं तो करेंगे कहाँ से। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, हमारा भाई लोग इधर है सामने चल रहा है, इधर फिर ये तीसरा स्टेप में है झांकी जो है राक्षस का पूरा टावर, लश्कर है इसका बर्बाद। आओ गाइस फाइनली गणपति जी के अभी
मुग्ध जो है इसको दिखाने के लिए जाएंगे, हम लोग को दिखाएंगे इसको। सबसे पहले पढ़ो अलग से, ये लोग संचालक है और यहाँ का सीन देखना, कई अलग से फूल जहर बना है। फॉल सीन पार करके आना पड़ेगा आप लोग को फिर इस जगह तक। लोग अभी सोफा में बैठ गए हैं अलग से, भूपेन भाई वो सोफा वोफा बैठ भाई मस्त लगे हैं अलग से। चलो फिर मिलते हैं गाइस अंदर चलिए। फिर से पहुंच गए गणेश पंडाल के पास और यहाँ मछली वाला जो जल मछली वाला सिस्टम जो अलग से।
चलो चलते हैं इसका देखेंगे और गणेश जी का मूर्ति कैसा है। पंडाल देखो वैसे पाल लाइट के ऊपर गई लगे देखना। बिलवा दिख रहे हैं अभी कैसे युवराज भाई सब करिया बिलवा दिख रहे हैं सारी देख ये लोग अलग से फोटो वोटो पूरा खींच रहे हैं। हमारा लोकेश भाई घूम जा रहा है भाई मोबाइल में भी फोटो खींचना है भूपेन भाई के फोन में। भाई भी अच्छा सेट लिया है भूपेन भाई मस्त चकाचक आता है भाई मोबाइल में फोटो कैसे भाई हम लोग अभी भिलाई का जो सीन था वहाँ पर लोग घूम लिए और खूब मजा किए और अच्छा भी लगा आज के सीन में। तो मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर के बाद क्योंकि रास्ते में अभी जाएंगे घर और भाई को भी देख लो थोड़ा से जितेश भाई को भाई लास्ट में थक गए हैं पंडाल घूम पूरा करिया भी कल करिया भी आ रहा है जितेश भाई। तो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में रास्ते में जाने के बाद हर में लोकेश भाई फूल अलग से बंद रखा भी ये शहर में लाइट है रास्ते में मिलते हैं बने बना दे भाई 30 सेकंड।